Now we have question number 11 of exercise 5.1. Find the multiplicative inverse of each of the complex numbers given in the exercises 11 to 13. मतलब 11 to 13 जितने भी numbers दी गई हैं, उसका आपको multiplicative inverse निकालना है. मतलब जैसे z है तो 1/z निकालना है और सिंप्लीफाई कर देना है. तो देखिए 11th question में क्या दिया गया है. 4 माइनस 3i दिया गया है. ठीक है बच्चा, तो मान लेते हैं कि ये z एक नंबर है, ये z इक्वल टू है 4 माइनस 3i और हमें कैलकुलेट करना है z इनवर्स, इसका इनवर्स नंबर. z इनवर्स का मतलब है बेटा 1/z, 1/z का मतलब है 1/4 माइनस 3i. जब भी i नीचे होगा तो थोड़ा घबरा जाना, घबरा इसलिए जाना कि i हमेशा डिनोमिनेटर में ही होना चाहिए, आई डिनोमिनेटर में कभी नहीं होना चाहिए, तभी वो कॉम्प्लेक्स नंबर के स्टैंडर्ड फॉर्म में रहेगा जो कि स्टेट प्लस आई भी होता है. तो यहाँ 4 माइनस 3 आई ये पूरा हमारा जो है डिनोमिनेटर में है, इसे न्यूमरेटर में लाने के लिए आई रिमूव करना होगा फ्रॉम द डिनोमिनेटर, और ये तभी रिमूव होगा जब इसके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ही मल्टीप्लाई करेंगे और कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करने के बाद सिंप्लीफाई कर देंगे. तो 4 माइनस 3 आई है तो इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट हो जाएगा 4 प्लस 3 आई, तो ऊपर हो जाएगा आपका इंटू 4 प्लस 3 आई ऊपर और 4 प्लस 3 आई नीचे. अब ऊपर तो हो जाएगा 4 प्लस 3 आई क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई होगा और नीचे बनेगा हमेशा a माइनस बी ए प्लस बी हमेशा, क्योंकि अगर यहाँ प्लस होगा तो आप माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस से प्लस से कर रहे हैं तो हमेशा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा, मतलब 4 स्क्वायर माइनस 3i का होल स्क्वायर. देखिए ये ये है और ये पूरा भी है. अब ये हो जाएगा 4 प्लस 3i अपॉन 16 माइनस 9i स्क्वायर. i स्क्वायर की वैल्यू आपको पता है? यस सर, i स्क्वायर की वैल्यू होती है माइनस 1. तो हो जाएगा 4 प्लस 3i अपॉन 16 माइनस 9 इनटू माइनस 1, प्लस 9 हो जाएगा, हो जाएगा 4 प्लस 3i अपॉन 16 प्लस 9 मतलब 25, 4 प्लस 3i अपॉन 25, तो ये राइट कर देंगे 4 अपॉन 25 प्लस 3 अपॉन 25 आई, और यही हमारा z इनवर्स है. आया समझ में? नहीं, किसी किसी बुक में इसे फार्मूले से बताया गया है, तो ये एक बेस्ट मेथड है आपका कि आप बगैर फार्मूले को इस तरह से कैलकुलेट कर सकते. ऐसे ही आपको रूट 5 प्लस 3 आई का निकालना है तो आप निकाल सकते हो, और क्वेश्चन नंबर 13 में माइनस आई का निकालना है, तो अगर ये जेड है तो जेड इनवर्स बन जाएगा माइनस 1 अपॉन आई, इसमें केवल आई वर्स से कर दीजिए काम खत्म. तो 13 भी आपका सॉल्व हो चुका है. अब हमें क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व करना है. 12 और 13 आप कैलकुलेट कर लेंगे, अब क्वेश्चन नंबर 14 कैलकुलेट करना है. तो आइए 14 आपको मैं करके दिखाता हूँ या समझा देता हूँ, आप कर लेंगे. क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया है एक्सप्रेस द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इन द फॉर्म ऑफ ए प्लस आई बी. ए प्लस आई बी के फॉर्म में राइट करना है, मतलब आई ऊपर रहना चाहिए. दिया गया क्वेश्चन है 14 में 3 प्लस आई रूट 5 और 3 माइनस आई रूट 5 अपॉन 3 प्लस रूट आई और माइनस 3 माइनस आई रूट 2. सॉल्व करते हैं इसको, मल्टीप्लाई करोगे अगर आप यहाँ पे तो ए प्लस बी ए माइनस बी, फिर वही ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब रूट 5 का स्क्वायर, यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करोगे 3 प्लस रूट 2 आई माइनस 3 और ये माइनस माइनस प्लस आई रूट 2 या रूट 2 आई एक ही बात, माइनस 3 प्लस 3 कट गया, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 5 आई स्क्वायर, रूट 5 का स्क्वायर 5 आई स्क्वायर और रूट 2 आई तो 2 रूट आई. कोई प्रॉब्लम नहीं है सर. आई स्क्वायर आपका माइनस 1 होता है, 5 इंटू माइनस 1 अपॉन 2 रूट 2 आई, यहाँ पे हो जाएगा 9 प्लस 5 अपॉन 2 रूट 2 आई, हो जाएगा 14 अपॉन 2 रूट 2 आई. तो आया आंसर लास्ट में
y, but I cannot be in the denominator because the standard form of complex number is a plus ib. तो बस i here y से slice कर दो ऊपर नीचे. तो ऊपर तो हो जाएगा 7i और नीचे root 2i square. अब i square की value minus 1 होती है. तो यहाँ पे minus 1 रख देंगे तो हो जाएगा minus 7i upon root 2. तो अगर a plus ib के form लिखना है तो 0 minus 7 upon root 2. ये हमारा सिंपलीफाइड है. तो इस तरह से हम लोगों ने ढेर सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं. ठीक है, ढेर सारे क्वेश्चन सॉल्व किए. और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप सभी बच्चों से कि आप जरूर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर या कोई रेफरेंस बुक से भी इसको सॉल्व करें इस टॉपिक को. और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो जरूर शेयर करें. ठीक है, ओके.